फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि डन विद क्या है, तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको डन विद के साथ दो और टॉपिक्स बताता हूँ जिसके मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलना हो जहाँ आप कहें कोई काम जो आप कर रहे हैं वो खत्म हुआ या वो पूरा हुआ, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप आई एम डन, आई एम थ्रो, आई एम फिनिश्ड इन तीनों टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कमाल की बात है कि तीनों इंटरचेंजेबल है, आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा काम पूरा हुआ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम डन विद माई वर्क। आप ये भी कह सकते हैं आई एम थ्रो विद माई वर्क। आप ये भी कह सकते हैं आई एम फिनिश्ड विद माई वर्क। यानी इन तीनों में से आप कोई बोल सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि मेरा लेसन खत्म हुआ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम डन विद माई लेसन, या आई एम थ्रो विद माई लेसन, या आई एम फिनिश्ड विद माई लेसन। अगर आपको कहना हो कि उसका काम खत्म हुआ, तो आप कहेंगे सी इज डन विद हर वर्क। आप ये भी कह सकते हैं सी इज थ्रो विद हर वर्क, या फिर आप ये कह सकते हैं सी इज फिनिश्ड विद हर वर्क। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आई एम डन, आई एम थ्रो और आई एम फिनिश्ड शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि जो काम आप कर रहे हैं वो अब खत्म हुआ या उस काम से अब छुटकारा मिला। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।